प्रकार से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने की प्रोसेस जो है वो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दूंगा, जिससे आपको डाउनलोड करने में असुविधा नहीं होगी। और अगर आपको आप वोटर आईडी अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीनिंग की तरफ। तो दोस्तों, वोटर आईडी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको वेबसाइट एक चाहिए होगा। उसके लिए आपको NVSP आपको टाइप करना होगा। जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से जो है पहला ऑप्शन जो ईपिक डाउनलोड, इसे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन इसे क्लिक करने से पहले आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि पहले लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है, या आप लॉगिन नहीं किए हैं तो नया सा क्रिएट अकाउंट करना होगा जो यहाँ पे है, रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कर लिए, रजिस्टर करने के बाद में आप लॉगिन कीजिए। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट है, तो मैं यहाँ पे जो है कैप्चा फिल करता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ और आगे क्या होगा। ये जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे कैप्चा फिल कर लिया है। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो फिर यहाँ पे सिंपल सा जो है ईपिक डाउनलोड पे मुझे क्लिक करना होगा। ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे। एक या तो आपके पास ईपिक नंबर होना पड़ेगा, वोटर आईडी नंबर, या जब आप वोटर आईडी अप्लाई करते हैं तो उसका जो रेफरेंस नंबर होता है वो भी आप अगर दे तो उससे भी हो जाएगा। ये रहा रेफरेंस नंबर का। तो मेरे पास ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर डालकर मैं करता हूँ। तो मेरा ईपिक नंबर है 6। ये मैंने ईपिक नंबर अपना डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे वो भी कर लिया है। फिर सर्च कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे मेरा पूरा डेटा निकल जा रहा है। निकलने के बाद में यहाँ पे मेरे को सेंड टू OTP का ऑप्शन एक आ रहा है, उस पर आपको सिंपली सा क्लिक करना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने कराया था उस पर आपको एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको जो है यहाँ पे पुट करना होगा। तो हम अभी OTP का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए अभी OTP आ चुका है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत देर बाद OTP आता है, तो घबराने की बात नहीं है, आप रिसेंड करके भी जो है OTP को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही मैंने OTP को यहाँ पे सबमिट किया, देखिए यहाँ पे जो है OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे सिंपल सा नीचे आपको कैप्चा देना है। कैप्चा आप जैसे ही डालेंगे आपका जो है वोटर आईडी जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैप्चा भी डाल दिया। फिर यहाँ पे डाउनलोड ईपिक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका वोटर आईडी कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा सही तरीके से, ठीक है। देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा वोटर आईडी जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद देखिए आपके सामने मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है यहाँ पे आ चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही है समझने में या किस प्रकार से किया जाता है, तो आप मुझे जो है कमेंट में वो टॉपिक का नाम वहां पे मेंशन करें। मैं डेफिनेटली अगली वीडियो जो है उस टॉपिक के ऊपर ही बनाने का कोशिश करूंगा।